स्वागत है खबरों में, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, देश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। बढ़ते तापमान से उत्तर भारत बेहाल हो चुका है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। कई शहरों में 44 से 45 डिग्री तक पारा पहुंच रहा है। देश में गर्मी अब गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। भीषण गर्मी से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, घरों से निकलना दूभर हो चुका है। गर्मी का सितम लोगों पर हावी हो रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कई शहरों में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हीट वेव का कहर जारी है। अभी राहत मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अभी गर्मी और बढ़ेगी, प्रचंड प्रहार करेगी, यानी तापमान और बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। 44 से 45 डिग्री कई जगह पर पारा पहुंच रहा है। बढ़ते तापमान से उत्तर भारत बेहाल हो चुका है। कई शहरों में 44 से 45 डिग्री तक ये पारा चढ़ चुका है। भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं। लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। देश भर में गर्मी से लोग हाहाकार कर रहे हैं। गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ है। लगातार जारी उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। मई के दूसरे हफ्ते में पारा 44 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है और महीने की शुरुआत में ही हीट वेव का असर दिखाई देने लगा है। देश भर में भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल है। गर्मी और उमस के चलते लोग सड़कों पर छांव तलाश रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। शहर शहर प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। सड़कों पर भीषण गर्म हवा की वजह से लोग छाता लेकर चल रहे हैं। भीषण गर्मी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने भी लोगों को सचेत रहने के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ने वाला है। तो गर्मी से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, इसी पर हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। किस तरह के हालात बने हुए हैं, अनिल माउंट आबू से हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, रवि कुमार लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं, नीतीश झा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आयुष शर्मा कुछ ही देर में दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रवि, आपका रुख करते हुए लखनऊ में अभी क्या सूरत हाल है, कैसा मौसम है और कितना टेम्परेचर है? देखिए, सुबह का वक्त है और जो तापमान है में कमी आई है। करीब अगर हम बात करें तो करीब 20 डिग्री से कुछ आसपास ही इसका तापमान है आज का। और अभी लेकिन जैसे जैसे अगर बात करें तो जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे धूप बढ़ती है और तापमान में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और कल का जो दिन था गुरुवार का, मौसम में काफ़ी राहत थी। लेकिन अभी आज सुबह से कुछ गर्मी का एहसास ज़रूर हो रहा है। हालांकि मौसम की जानकारी साफ किया है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत कुछ जिले ऐसे जहां पर 12-13 तारीख में बौछार पड़ने की संभावना है, यानी कि अभी फिलहाल अभी जो गुजरे हुए 3-4 दिन है और अभी 2-3 दिन और थोड़ी सी राहत जरूर होने गर्मी हो रही थी उसमें थोड़ी सी राहत जरूर है, हल्की हवाएं भी चली जिससे थोड़ी सी राहत जरूर है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी जरूर होती है लेकिन सुबह और शाम के तापमान में कमी रहती है। जो रात होती है रात के वक्त थोड़ी सी आसानी रहती है। हालांकि एक हफ्ते पहले जो मौसम के हालात थे उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी आने वाले दिन है, फिलहाल 2-3 दिन और थोड़ी सी राहत मिलेगी, उसके बाद फिर मौसम में के तापमान बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि मौसम की रिपोर्ट साफ किया है कि अभी फिलहाल 3-4 दिन थोड़ी सी राहत और मिलेगी, उसके बाद फिर मौसम में बदलाव है देखने को मिल सकता है जी। यानी लखनऊ में अभी थोड़ी राहत है लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 दिनों में हीट वेव का कहर बढ़ता जाएगा। नीतीश झा मुंबई से हमारे साथ है। नीतीश, मुंबई में कितना टेम्परेचर पहुंच रहा है, लोग कैसे गर्मी से खुद को सेफ कर रहे हैं और मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी है? दो से तीन दिनों से जो है मुंबई में थोड़ी राहत है। नीतीश, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। रवि हमारे साथ जुड़े लखनऊ से और अनिल माउंट आबू से हमारे साथ है। अनिल, क्योंकि उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है, देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार लोग माउंट आबू पहुंच रहे होंगे, पर्यटकों की संख्या में कितना इजाफा हुआ है, वहां पर क्या टेम्परेचर है, कैसा मौसम है अभी? ये हम बताएं, जैसे गुजरात के चुनाव जिस प्रकार से अभी पूरे हुए हैं और गुजरात के अंदर अगर परीक्षाएं 1 महीने तक माउंट आबू, ठीक है अनिल, आपकी आवाज भी ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपका रुख करेंगे। आयुष शर्मा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हैं। आयुष, दिल्ली NCR को लेकर क्या अलर्ट जारी हुआ है और किस तरह से सावधानियां बरती जा रही है, क्योंकि प्रचंड गर्मी देखी जा रही है, सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं।
जी बिल्कुल वंदना, आज का दिन यानी 10 मई दिल्ली वालों के लिए बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है, क्योंकि आज ये अनुमान जताया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा दिल्ली में तापमान 40 डिग्री को छू जाएगा। और क्योंकि बादल आज नहीं होने वाले हैं, आसमान साफ रहने वाला है, तो धूप की जो तपत है वो सीधी दिल्ली वालों को आज परेशान करेगी, दिल्ली वालों के पसीने छुड़ा देगी। बात की जाए अगर पिछले रविवार की, तो 42 डिग्री का जब तापमान दर्ज किया गया था तो वो इस सीजन का सबसे गर्म दिन बताया था, लेकिन आज क्योंकि पारा 40 तक को छूने वाला है तो उसके आसपास की ही गर्मी आज दिल्ली में बनी रहेगी। लोगों को यह हिदायत दी गई है कि जब आप अपने घर से निकले तो पानी अपने साथ जरूर रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और ऐसी फल और सब्जियां खाएं जिससे आपके शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे। बात की जाए गर्मी की, तो गर्मी अब भयंकर पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आने वाले कुछ दिनों में राहत की संभावना मिल सकती है, लेकिन वो राहत भी 1 या 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होने वाली। हालांकि इस हफ्ते के अंत में कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है एक आंशिक बारिश होगी, बहुत हल्की बारिश होगी, जिसकी वजह से कुछ राहत शाम के वक्त मिल सकती थी, लेकिन फिलहाल वो सारे अनुमान भी अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो पारा बढ़ चुका है 40 डिग्री, इंडिया गेट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि जो सड़कें हैं यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर इस वक्त लोग जो है यहां मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, साइकिलिंग के लिए आते हैं, कुछ पर्यटक ऐसे हैं जो सुबह घूमने भी इंडिया गेट के लिए आते हैं, लेकिन ये कर्तव्य पथ की वो सड़क है जहां पर इस समय जो पर्यटक थे, जो लोग यहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, वो भरी रहती थी सड़कें उनसे, लेकिन आज सुबह के वक्त क्योंकि गर्मी इतनी है, धूप इतनी तेज है, सुबह 8:30 बजे ही इतनी चिलचिलाती धूप देखने को मिल रही थी कि पर्यटक जो यहां पर आया करते थे अब लोग बाहर निकलना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। एक पानी वाले से हमने अभी ऑफ द कैमरा बात की थी, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि जो पानी की बिक्री है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग पानी बहुत पी रहे हैं, गर्मी जिस प्रकार से बढ़ गई है तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को अब समस्या आ रही है। और इसी को लेकर दिल्ली की एम्स की तरफ से भी ये बात जारी की गई थी, जब उन्होंने बात कही थी डॉक्टर्स की एक टीम ने कि तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है वो उसका सेवन करें। जी वंदना, बिल्कुल तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं इस गर्मी से बचने के लिए। रवि भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रवि, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी चेताया है कि गर्मी और बढ़ने वाली है, प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो लोग बेघर हैं कैसे उनकी मदद की जा रही है? देखिए, जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है और जो लोग हैं वो छांव का सहारा लें, और अस्पतालों में भी इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर किसी को गर्मी धूप की वजह से अगर वो बीमार होते हैं तो अस्पतालों में पहुंचते उसके लिए बकायदा अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। ORS काउंटर बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो अगर इस गर्मी की वजह से उनकी तबीयत खराब होती है तो उनको समय से बेहतर इलाज मिल सके। हालांकि लखनऊ के या उसके आसपास के जिलों के तापमान में कुछ कमी जरूर आई है, जिसकी वजह से गर्मी थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन अभी बीते दिनों में जिस तरीके से जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई थी, पूरा अप्रैल का जो महीना था वो बेहद ही गर्मी भरा था। मार्च के लास्ट आते आते गर्मी बढ़नी शुरू हो गई थी और अप्रैल का पूरा महीना गर्मी से भरा हुआ था और मई की शुरुआत में भी गर्मी का एहसास था, लेकिन पिछले करीब 4 से 5 दिनों में थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। अभी 2-3 दिन के अंदर राहत मिलने वाली है, लेकिन बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी जिस तरीके से धूप इतनी हुई है धीरे धीरे गर्मी को दैनिक तापमान में बढ़ोतरी कर रही है। और शाम रवि, क्योंकि आयुष अभी तस्वीरें दिखा रहे थे, इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं, इस गर्मी से सुबह सुबह ही लोग परहेज करते हुए दिख रहे हैं। आप भी तस्वीरें दिखाइए, लखनऊ में सड़कों पर क्या हाल है? देखिए बिल्कुल, ये यहाँ की फलक आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा नजर आ रहा है। हालांकि जिन लोगों को जरूरी होता है घरों से निकलना, वही लोग घरों से बाहर निकले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर जो सड़कें हैं वो सूनी है, हालांकि सुबह का जो वक्त है तकरीबन 8:30 बज चुके हैं और इस वक्त के जो हालात है इस वक्त जो लोगों का आवागमन काफी रहता है, लेकिन हालांकि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके पेरेंट्स वगैरह उनको स्कूल भेजने के लिए जरूर निकलते हैं। हालांकि जिस तरीके से धूप बढ़ी हुई थोड़ी सी परेशानी जरूर है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले की बात है, यानी तकरीबन सुबह 7 बजे के आसपास तापमान में कुछ कमी थी, रात अभी में भी तापमान में कुछ कमी थी, हालांकि गर्मी का एहसास था, लेकिन जो 5-6 दिन पहले जो गर्मी थी उससे थोड़ी सी राहत जरूर थी। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अभी 1-2 दिन यानी कि 10 और 11 तारीख तक थोड़ी सी गर्मी का एहसास रहेगा, लेकिन मौसम विभाग की जानकारी ने यह भी साफ किया है कि 12 या 13 तारीख में उत्तर प्रदेश के कुछ जिले यानी इसमें लखनऊ भी शामिल है बौछारें हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो तापमान में कमी रहेगी और गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, उसके बाद फिर से गर्मी बढ़ने की संभावना है वो बनी हुई है। जी बिल्कुल, और हीट वेव को लेकर चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है। नीतीश का एक बार फिर से रुख करेंगे, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं और आयुष भी हमारे साथ दिल्ली से हैं। आयुष, आप मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है, कब तक राहत मिलेगी, क्योंकि बारिश की आस में लोग बैठे हुए हैं, खासतौर से दिल्ली वाले जो लगातार इस प्रचंड गर्मी को झेल रहे हैं।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली में गर्मी से बड़ा एक फैक्टर और है यहाँ का प्रदूषण। जो गर्मी है वो तो लोगों पर कहर बरपा ही रही है, लेकिन जो प्रदूषण है उससे जो गर्मी का प्रभाव है, यानी 40 डिग्री का तापमान भी 2-4 डिग्री ऊपर ही महसूस होता है लोगों को, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और प्रदूषण के चलते गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, गाड़ियाँ बहुत है, आबादी बहुत ज़्यादा है, देश की राजधानी है, क्योंकि ऐसे में जो गर्मी है, जो तापमान है, उसकी जो महसूस करने की क्षमता है लोगों में, वो कहीं ना कहीं ऐसे में देखने को मिलती है कि गर्मी लोगों को ज्यादा लगती है। अब अगर बात की जाए दिल्ली की और मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल कोई राहत अभी नहीं दी गई है दिल्ली वालों को, ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि जैसे जैसे अब दिन बढ़ते जाएंगे दिल्ली में गर्मी बढ़ती जाएगी। 10 तारीख के लिए बात की गई थी कि 10 तारीख में सूरज के साथ साथ तापमान बढ़ेगा और आज का तापमान 40 डिग्री को पार भी कर सकता है, यानी आज का दिन दिल्ली वालों के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि अभी इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा है। इस रविवार को एक हफ्ता भी नहीं हुआ, सिर्फ 5 दिन पहले इस सीजन का सबसे गर्म दिन था, अब कयास ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली का जो तापमान है वो 45 डिग्री को भी छू जाएगा इस महीने के अंत तक। दिल्ली वालों को जो गर्मी देखने को मिलेगी उससे लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ेंगी और बीमारियां गर्मी के चलते बहुत बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बीमारियां क्योंकि लू चलने से भी बढ़ती हैं और खासतौर से बुजुर्गों बच्चों का ख्याल रखना भी जरूरी है। नीतीश हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। नीतीश, मुंबई का सूरत हाल आप बताएं, क्योंकि पहले आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी, तस्वीरें भी दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई में बीते 2-3 दिनों से जो है राहत है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो है चेतावनी दी गई, हवाएं चलेंगी, तो इसको लेकर के जो है लोग सावधान रहे और सतर्क रहे। बात पुणे की करें तो पुणे में जो है 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान लगातार बीते एक हफ्ते से है, काले बादल छाए हुए हैं और वहां पर भी मौसम विभाग का येलो अलर्ट जो है वो लगातार जारी है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें और मराठवाड़ा की बात करें तो वहां पर जो है मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले 2-3 दिनों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चलेंगी, तूफान, छोटे मोटे तूफान की जो है उसकी चेतावनी दी गई है और बिन मौसम बारिश देखने को मिलेगी। क्योंकि कल भी नागपुर की बात करें तो नागपुर में कल सुबह से ही जो है बिन मौसम बारिश जो है देखी गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि 13 मई को जो है मराठवाड़ा में चुनाव है, चौथे चरण का जो लोकसभा चुनाव है मराठवाड़ा में होने वाला है, तो चुनाव पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि जब ऐसे में अचानक से मौसम में बदलाव होता है तो अधिकतर जो ऐसे सुर्तियाँ ये रहते हैं कि इसमें वायरल फीवर होने के चांसेस सेहत लोगों के सेहत पर जो है बहुत असर पड़ता है। अचानक वायरल फीवर फैलता है जब भी मौसम में इस तरह की बदलाव देखने को मिलती है, तो ऐसे में बिन मौसम बारिश को लेकर जो है लगातार महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र में मराठवाड़ा विदर्भ इन इलाकों में लगातार मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। अभी मैं आपको मुंबई की तस्वीर दिखाता हूँ, मैं इस वक्त मुंबई में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सड़कों पे तो ज्यादा लोग है नहीं, जो काम पर जा रहे हैं वही लोग दिखेंगे आपको, नहीं तो पूरी की पूरी सड़कें जो है यहाँ पर खाली है, कोई ज्यादा लोग यहाँ पर घर से बाहर निकल नहीं रहे। सुबह के समय भी ये सूरत हाल यहाँ पर मुंबई में इस वक्त है। बिल्कुल, घरों से बाहर निकलने से लोग परहेज कर रहे हैं क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और पारा इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि लोग इस गर्मी को नहीं झेल पा रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ अनिल भी जुड़े हुए हैं माउंट आबू से। अनिल, क्योंकि पर्यटकों की संख्या ऐसे वक्त में बढ़ जाती है जब भीषण गर्मी होती है, वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों से आप बातचीत कर रहे होंगे, उत्तर भारत क्योंकि भीषण गर्मी से इस वक्त परेशान है, किन किन राज्यों से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? जिस प्रकार से हम बताएं कि माउंट आबू से सटा हुआ गुजरात राज्य है, गुजरात की सीमा पड़ती है, तो गुजरात के पर्यटक यहाँ पे ज्यादा आते हैं। जो पूरे देश से पर्यटक आते हैं करीबन 50-60% गुजरात के होते हैं, लेकिन पूरे देश की अगर बात करें तो सभी जगह से पर्यटक आना शुरू हो गए हैं। गुजरात में जिस प्रकार से अभी इलेक्शन पूरे हुए हैं तो माउंट आबू में पर्यटकों की हम 2-3 दिन से ज्यादा भीड़ देख रहे हैं, हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर जिस प्रकार से हम भीड़ देख रहे हैं, जिस प्रकार से माउंट आबू के अगर तापमान बात करें तो न्यूनतम तापमान आज जिस प्रकार से 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहा, तो माउंट आबू में पर्यटक जो है इस सीजन का भी आनंद लेने जिस प्रकार से हम देखते हैं, दूसरे वर्षों की तुलना करें तो कहीं ना कहीं तापमान में थोड़ा सा बढ़ाव हुआ है, लेकिन फिर भी माउंट आबू में जो पर्यटक आते हैं और जिनसे हम बात करते हैं तो उनको माउंट आबू में आना काफी अच्छा लगता है। और जिस प्रकार से बारिश होती है या अन्य बिल्कुल अनिल, यहाँ पर मौसम साफ भी दिखाई दे रहा है और बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर आपके पीछे नजर आ रही है, एक बार तस्वीरें आप दिखाइए हमारे दर्शकों को।
बिल्कुल, जिस प्रकार से हम बताएं कि माउंट आबू का ये लक्की लेक है और कुशुमा, यहाँ पर कुछ ही देर के अंदर पर्यटक आने लगेंगे और पर्यटक जिस प्रकार से नौका विहार करते हैं तो माउंट आबू में पर्यटक जो है माउंट आबू में नौका विहार करने आता है, अन्य पर्यटन स्थलों के दर्शन करने आता है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कहा जाता है माउंट आबू। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो पर्यटक पूरे देश से माउंट आबू आते हैं, विदेशों से भी पर्यटक आते हैं, तो कहीं ना कहीं माउंट आबू में इस सीजन के अंदर जो है पर्यटकों की संख्या भारी बढ़ जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों की आवाजाही इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि दूसरे हिस्सों में देश के बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इस गर्मी से बचने के लिए ठंडे इलाकों का रुख लोग कर रहे हैं। रवि भी हमारे साथ है। रवि, आप बता रहे हैं कि लखनऊ में हल्की बारिश एक दो दिन पहले हुई थी, उसके बाद जो टेम्परेचर है बहुत हाई नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, आने वाले कितने दिनों में और ज़्यादा गर्मी बढ़ सकती है और बारिश को लेकर क्या अनुमान है? देखिए, 12-13 तारीख को लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बौछारें पड़ सकती है। हालांकि अभी दो से तीन दिन पहले हल्की बारिश हुई थी जिसकी वजह से मौसम यानी तापमान में कमी आई थी और मौसम थोड़ा ठीक हो गया था। अभी अगर हम बात करें तो सोमवार तक का जो मौसम था वो गर्मी काफ़ी थी, 40 डिग्री के पार तापमान था और लखनऊ के कुछ जिले ऐसे थे जहाँ पर तापमान अपने रिकॉर्ड की तरफ बढ़ता नजर आया। हालांकि मंगलवार से थोड़ी सी राहत जरूर रही, बुधवार बृहस्पतिवार को भी राहत थी, आज थोड़ी धूप जरूर है लेकिन फिर भी सोमवार के मुकाबले में थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन दिन के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। 12-13 तारीख में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर बौछारें पड़ सकती है, यानी कि तापमान में कमी रहेगी, उसके बाद फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं कि अभी दो तीन दिन फिलहाल लखनऊ या आसपास के जिले के जो लोग हैं उनको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है, क्योंकि सोमवार तक जो गर्मी हो रही थी भीषण गर्मी उससे थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन हालांकि अभी गर्मी जरूर हो रही है लेकिन थोड़ी सी हल्की हवाएं चल रही हैं जिससे थोड़ी सी राहत जरूर महसूस हो रही है लोगों को। जी बिल्कुल, वापस दिल्ली का रुख कर लेते हैं। आयुष हमारे साथ हैं। आयुष, क्योंकि आप इंडिया गेट की भी तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर अक्सर लोग बड़ी संख्या में सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, घूमने के लिहाज से देख लीजिए या फिर कह लीजिए कि क्योंकि जब मौसम खराब होता है या बारिश होती है तब भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, लेकिन क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, तस्वीरें आप दिखाइए कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग अगर वहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करिए। बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त तस्वीर दिखाना चाहूँगा इंडिया गेट पर, क्योंकि हम मौजूद हैं तो कर्तव्य पथ यहाँ मेरे पीछे है और यहाँ पर अक्सर इस समय ना लोग जो होते हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, साइकिल चलाने आते हैं, कसरत करने आते हैं और कुछ पर्यटक ऐसे हैं जो घूमने भी आते हैं, और क्योंकि वक्त हो चुका है लगभग 9 बजने वाले हैं, ऐसे में पर्यटक अपने होटलों से निकलना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है, जो धूप है इतनी चिलचिलाती धूप पड़ रही है कि यहाँ पर कैमरे में भी आप देख पाएंगे कि लोग जो हैं यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, इक्का दुक्का लोग यहां पर हैं, गर्मी से लोग परेशान हैं, इस धूप से लोग परेशान हैं। अब सड़क की ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ऑफिस आवर का वक्त है, शुक्रवार का दिन है, लोग अमूमन इस समय अपने काम के लिए निकलना शुरू कर देते हैं और यहां पर गाड़ियां ज्यादा देखी जा सकती है, टू व्हीलर कम है, इससे ये चीज स्पष्ट हो रही है कि लोग जो है वो गाड़ी का इस्तेमाल अब कर रहे हैं, गर्मी इतनी है लोग टू व्हीलर को प्रेफर नहीं करना चाह रहे, 2 या 3 बाइकें इस वक्त देख पा रही है, ज्यादातर लोग गाड़ियों से इस वक्त निकल रहे हैं, गाड़ी में एसी मिलता है और धूप से लोग बच जाते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर टू व्हीलर्स कम हो गए हैं, लेकिन क्योंकि अब गाड़ियां सड़कों पर बढ़ गई हैं इससे प्रदूषण बढ़ेगा और प्रदूषण के चलते ही कहीं ना कहीं गर्मी में भी दिल्ली में अब इजाफा होगा। अब बात की जाए यहाँ पर लोगों की तो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, कर्तव्य पथ पर पीछे की तरफ कुछ लोग थे लेकिन यहाँ रोड की तरफ आसपास कुछ लोग नहीं है। अगर हम किसी अभी यहाँ पर बात करना चाहें तो लोग इस वक्त मौजूद भी नहीं है जो अपने गर्मी में जो इस समय का हाल बता सके, लेकिन अगर शाम की बात की जाए तो शाम को एक बार इंडिया न्यूज की टीम जब यहाँ पर पहुंची थी ये देखने के लिए क्या हीट वेव के चलते यहाँ पर लोग हैं या नहीं, तब हमने ये चीज नोट की थी, कुछ लोग आ रहे हैं, ज्यादातर लोग पर्यटक हैं, अब क्योंकि पर्यटक दिल्ली में घूमने आए हैं तो उनकी मजबूरी है, चाहे गर्मी हो धूप हो वो बाहर निकलते हैं, लेकिन लोकल्स यानी दिल्ली के जो नागरिक हैं वो यहां पर कम है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो अवॉइड कर रहे हैं इस समय बाहर निकलना, क्योंकि ये जो धूप है जो गर्मी है इससे लोग पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। जी बिल्कुल, हीट वेव के चलते क्योंकि कई बीमारियां भी दस्तक दे रही हैं, ऐसे में एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं किस तरह की एहतियात बरतनी होगी? आयुष जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आरएमएल डॉक्टर्स की एक टीम और एम्स के डॉक्टर की एक टीम ने ये बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पानी पिए और कोशिश करें कि जब घर से बाहर निकले किसी ज़रूरी काम के लिए ही निकले, ज़्यादा धूप है तो घर से बाहर निकला आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि जो धूप है उससे हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो दिमाग में खून सही से नहीं पहुंच पाता जिसके चलते व्यक्ति तेज़ गर्मी की वजह से बेहोश हो जाता है और ये बहुत गंभीर परिस्थिति का रूप भी ले सकता है। अगर हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट को
सही समय पर होश में नहीं लाया जाता तो ये बड़ी बीमारी को भी कहीं ना कहीं उसके निष्कर्ष पर पहुंचा सकता है। लेकिन अब बात की जाए, डॉक्टर्स की तरफ से एडवाइजरी क्या जारी की गई है, तो ये बात कही गई थी कि ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, पानी पिए, ठंडी चीजें खाएं, ठंडी चीजें पिए और ऐसे फल और सब्जियों का सेवन करें जिससे शरीर में पानी की मात्रा जो है वो बनी रहे। जी बिल्कुल, खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है। मुंबई का वापस से रुख करेंगे, नीतीश हमारे साथ है। नीतीश, लोग हालांकि एहतियात बरत रहे हैं लेकिन मुंबई में जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसके साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। जब भीषण गर्मी होती है कई बार साइक्लोन जैसी स्थिति भी यहाँ पर बन जाती है। किस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है आने वाले दिनों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों के लिए जो है मौसम विभाग की चेतावनी ये है कि अनसीजनल रेन जो बिन मौसम बारिश है वो ना कि सिर्फ मध्य महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा बल्कि जो शहरी इलाका है मुंबई पुणे इन इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि चुनाव का समय है और पिछले जो तीन चरण के चुनाव हुए उसमें पिछले लोकसभा के मुकाबले 10 से 15% की कम जो है वोटिंग हुई है, जिसका सीधे तौर पर एक ये भी कारण माना जा रहा है कि गर्मी के चलते जो है लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ये भी एक अहम महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन अब बात सिर्फ गर्मी की नहीं है, यहाँ पर बात बिन मौसम बारिश जो है उसकी भी है क्योंकि कल नागपुर में बारिश हुई है और मराठवाड़ा और बाकी इलाकों में बिन मौसम बारिश की चेतावनी दी गई है। तो ऐसे में मराठवाड़ा में जो 13 मई को चुनाव होंगे उस समय इलेक्शन कमीशन की जो है मुश्किलें बढ़ सकती है, लोग जो मतदान करने के लिए निकलेंगे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। और जैसे मेरे सहयोगी अभी आयुष बता रहे थे हेल्थ की बात, तो उसमें अगर करें तो हीट वेव से बचने के लिए क्या कुछ हिदायत जो दी गई है वो आयुष ने बताया। लेकिन जब मौसम में परिवर्तन होता है, जब बारिश बिन मौसम बारिश होती है तो ऐसे समय में सबसे ज्यादा खतरा जो है वायरल फीवर का बढ़ जाता है। वायरल फीवर जब मौसम में बदलाव होती है तो लगातार, और वायरल फीवर ऐसी है कि घर में अगर किसी एक व्यक्ति को होता है तो घर में लगातार जितने घर के सदस्य है सारे लोगों को वो एक 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 करके अपने चपेट में ले लेता है। तो ऐसे समय में डॉक्टर्स का कहना यही है कि जब भी मौसम में ऐसी कुछ परिवर्तन हो तो खान पीन का जो उनका डाइट है उस पर ध्यान दे, किसी भी तरीके से जो है कोठाई ना बरते वो किसी भी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि सावधानी के जरिए ही हम खुद को सेफ रख सकते हैं। आयुष हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आयुष, क्योंकि दिल्ली में भी लोकसभा इलेक्शन की जो डेट है नजदीक आती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, किस तरह के इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अब दिल्ली में 25 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में दिल्ली का इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयारियों में जुट गया है। गर्मी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने तैयारी शुरू कर दी है। पानी का इंतजाम हर वोटिंग केंद्र पर किया जाएगा, इसके अलावा पंखे और वाटर कूलर्स वहाँ पर लगाए जाएंगे और बड़े कूलर्स जो हवा को ठंडा करते हैं वो रखने की तैयारी की है। इसके अलावा रैपिडो के साथ जो एक बाइक टैक्सी कंपनी है उसके साथ इलेक्शन कमीशन ने बात की है, टाइप हुआ है इलेक्शन कमीशन का और रैपिडो का, जिससे जो मतदान करने वाले लोग है वो रैपिडो को बुक करके मतदान केंद्रों तक जा सके। इसके अलावा जो मतदान केंद्र है वहां पर भी सुविधा रखी गई है, टेंट्स लगाए गए हैं और इस चीज को एंश्योर किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए निकले, क्योंकि पिछले जो तीन चरणों में चुनाव हुए उसमें हमने देखा था कि मतदान का प्रतिशत कम हुआ है और कहीं ना कहीं जो देश में गर्मी बढ़ रही है, जो हीटवेव चल रही है, इसको भी कहीं ना कहीं कारण माना जा सकता है मतदान कम होने का। तो दिल्ली में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसको लेकर दिल्ली इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से अब तैयारी में लग चुका है। वाटर कूलर्स लगाए जा रहे हैं, पंखे लगाए जा रहे हैं, जो मतदान केंद्र है वहां पर टेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि जो अधिकारी वहां पर बैठते हैं, जो लोग वोटिंग करने आते हैं, जो लाइन लगती है मतदान केंद्रों पर, वो छाया में लाइन लगे, जो चिलचिलाती धूप 25 तारीख को पड़ने वाली है उससे मतदान की जो संख्या है उस पर कोई असर ना पड़े। जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने पहले ही चेताया है कि गर्मी और प्रचंड रूप अख्तियार करने वाली है, ऐसे में जरूरी है कि आप सावधानी बरतें। बहुत शुक्रिया आपका आयुष तमाम जानकारी के लिए। नीतीश, रवि, अनिल, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ यहां पर